दोस्तों हमारे पास एक ये 500 आ रखी है क्लासिक, इसके अंदर क्या है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। पहले क्या था, इस गाड़ी की बैटरी डाउन थी, तो हमने बैटरी चार्ज कर ली। फ़िलहाल पहले हमने सोचा शायद बैटरी डाउन होगी इसलिए कुछ नहीं हो रहा है इसमें, बट बैटरी चार्ज करने के बाद भी सेम ही प्रॉब्लम है। तो जैसे ही हम इंजन स्विच ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारी लाइट जलती है ना, ECU वाली मल फंक्शन लाइट, वो नहीं जल रही है और इसका फ्यूल पंप भी नहीं चल रहा है। तो अब ये लाइट क्यों नहीं जल रही है, इसी के बारे में आज इस गाड़ी पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो फ्यूल पंप की रिले हैं वो दोनों रिले चेक करेंगे। तो वो रिले हमारी इसके अंदर होती हैं, तो देखते हैं क्या है मसला इसका, एक्चुअली रिले की प्रॉब्लम है या फिर और दूसरी कोई प्रॉब्लम है। तो मैं पहले ये खोल लेता हूँ और देखते हैं क्या है। तो हमें चाबी से ये खोल लेना है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इसकी दो रिले होती हैं, ये फ्यूल पंप वाली रिले होती हैं ये। तो मैं एक एक रिले को निकाल के देख लेता हूँ इसमें से। पहले हम इसके फ्यूज़ भी चेक करेंगे, मैं पहले इसके फ्यूज़ चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके सबसे पहले फ्यूज़ चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो फ्यूल पंप वाला फ्यूज़ होता है EFI वाला, कभी वो ख़राब हो। तो फ्यूज़ चेक करने का तरीका है, मेरे पास ये एक टेस्ट लैंप है, तो मैं इसको पहले इधर लगा लेता हूँ इंजन में कहीं पर। लगाने के बाद हम करते हैं, मैं चाबी ऑन कर लेता हूँ। चाबी ऑन करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई कहाँ कहाँ आ रही है। तो हम इस तरह चेक कर लेंगे सारे फ्यूज, तो लगता है कि दोनों नहीं आ रही है। तो फ्यूज़ तो हमारी ये चारों ठीक हैं, क्योंकि इसके अंदर चार ही फ्यूज़ हैं बस, आप देख सकते हैं, बाकी दो स्पेयर फ्यूज़ हैं। तो फ्यूज़ तो हमारे बिल्कुल सही है। अब हम चेक करते हैं इसकी ये रिले, कहीं ऐसा तो नहीं है रिले ख़राब है। तो मैं पहले इसमें रिले निकाल के देखता हूँ इसकी, आसानी से रिले निकल जाती हैं इसकी दोनों, थोड़ी टाइट हैं यार। तो ये वाली रिले तो देखने में सही लग रही है, दूसरी देखते हैं निकाल। अरे इसका तो यही टूटा हुआ है यार, आप देख सकते हैं इसकी एक पिन टूटी हुई है। जैसे ये है हमारी, इसके जैसी एक पिन टूटी हुई है इसकी। तो सबसे पहले हम रिले ही नहीं लगा के देखते हैं, हो सकता है रिले में प्रॉब्लम हो। तो मैं इसके अंदर जो टूटा हुआ पीस है वो निकाल लेते हैं, जो इसके अंदर टूटा हुआ पीस है ना वो निकाल लेते हैं, तब देख रिले लगा के देखते हैं इसमें नहीं, हो सकता है कि सिर्फ रिले की ही परेशानी हो, ठीक है। तो ये निकाल के देखता हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया बताएंगे। तो ये वाला पीस मैं पहले निकाल लेता हूँ इसका। इसके अंदर जो पीस टूटा हुआ था वो मैंने निकाल दिया है, अब मैं वापस इस पिन को लगा देता हूँ और इसमें नई रिले लगा के देखते हैं हम। जो इसका वायर था वो मैंने लगा दिया, अब हम देखते हैं इसमें करंट हमारा दोनों वायर में आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, इन दोनों में आ रहा है, तो मैं इसमें नई रिले लगा लेता हूँ, ठीक है। दोनों रिले लगाने के बाद देखते हैं। तो ये है हमारी कुछ नई रिले, दोनों रिले हमने नई ले ली, मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। अब देखते हैं कि काम हुआ कि नहीं। अब करते हैं हम चाबी को ऑन और इंजन स्विच ऑन करते हैं,
तो आपने देखा यहाँ पर लाइट आ गई है, इसका मतलब हमारा फ्यूल पंप अब हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो ये सेल्फ तो ले नहीं रही यार गाड़ी में। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनल दोस्तों हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है तो आपको सबसे पहले फ्यूज़ वगैरह चेक करने हैं इसके, और फिर इसकी रिले चेक करनी है। कई बार क्या होता है कि यही प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा होती है इन चीज़ों में, क्योंकि जब तक गाड़ी चलेगी तब तक ये रिले कंटिन्यू काम करती हैं। तो सबसे ज़्यादा रीज़न होता है इन्हीं का ख़राब होने का, ना कि जल्दी से फ्यूल पंप है और ECU है या फिर थ्रॉटल बॉडी है। ये चीज़ें कभी ख़राब नहीं होती, बहुत नॉर्मली ख़राब होती हैं, कम से कम सबसे ज़्यादा यही ख़राब होती हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू काम करती रहती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।